गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के शानदार यशस्वी महिला खिलाड़ी, भारत की यशस्वी महिला खिलाड़ियों का पाठ आप लोगों ने पढ़ा। उसमें आए हुए कठिन शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा, उसके अर्थ को समझा। आज हम लोग पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। In India, the world of sports is still dominated by men. भारत में खेल जगत में पुरुषों का हमेशा प्रभुत्व रहा है, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व रहा है। In India, the world of sports is still dominated by men. भारत में आज भी खेल जगत में पुरुषों का हमेशा वर्चस्व रहा और आज भी है। स्टिल माने अभी तक। वुमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। महिलाओं को प्रायः खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही लड़कियों को, गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्चूज ऑफ गुड होम मेकर, वेयर एज बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स। बचपन से ही लड़कियों को गृहिणी के, होम मेकर, गृहिणी के गुण सीखने के लिए, गृहस्थी के, गृहिणी के गुण सीखने के लिए अक्सर उन्हें प्रेरित किया जाता है, उन्हें अग्रसर किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, उनको बार बार मजबूर किया जाता है कि वो लोग पहले गृहस्थी की चीजों को सीखे, गृहिणी के गुणों को सीखे। जबकि वेयर एज बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम्स, जबकि दूसरी तरफ लड़कों के लिए घर से बाहर खेलने के लिए और खेलों में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इवन टुडे, आज भी, यहां तक कि आज भी, व्हाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन, जब हम बच्चों के लिए खिलौना लेते हैं, बच्चों के लिए खिलौना खरीदते समय, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing sets for their daughters. आज भी जब बच्चों को खिलौना खरीदना होता है, बच्चों के लिए खिलौना खरीदते समय माँ बाप, माता पिता लड़कियों के लिए गुड़िया और इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेल में खेलने के लिए सामग्री, घर के अंदर खेलने के लिए खेलने वाली चीजें, एंड किचन प्लेइंग सेट्स, रसोई से संबंधित खेल सामग्री खरीदी जाती है। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल फॉर देयर सन्स, जबकि लड़कों के लिए घर के बाहर खेलने वाले, अर्थात उनके लिए, लड़कों के लिए क्रिकेट कि बल्ले और फुटबॉल आदि खरीदा जाता है, और बच्चियों के लिए गुड़िया या घर में खेलने वाली वस्तुएं या रसोई से संबंधित वस्तुएं खरीदी जाती है। ऑन द अदर हैंड, देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। दूसरी तरफ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कई ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, अंदाजा हैंड, इतने के बावजूद भी कई ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीतकर, अंदाजा हैंड, देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, भारतीय महिला खिलाड़ी, कई ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, वो हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स, जिन्होंने पदक और पदवियां जीतकर
भारत को, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इंप्रूव्ड फॉर विमेन। आज अब महिलाओं के लिए चीज में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मैन। खेलों में महिलाओं की भूमिका और उनका महत्व पुरुषों के बराबर हो गया है। दे आर गिवेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब बराबर उनको इक्वलेंट माने समान। द रोल ऑफ स्टेट एंड स्टेटस, उनकी भूमिका और उनका महत्व इंडियन वुमेन, भारतीय और महिलाओं का खेल के जगत में अब पुरुषों के समान हो गया है, अर्थात बराबर उनका दर्जा दिया गया है। फॉर्चुनेटली वी हैव मेनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन। भाग्य से सौभाग्य से हमारे पास बहुत सी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं। फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से भी है, मेनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। हमारे पास बहुत सी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जो युवा पीढ़ी के लिए, यंगर जनरेशन युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल्स माने आदर्श हैं। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर। उनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे खेलों में अपना भविष्य तलाश करें, अपना कैरियर बनाएं, अपना भविष्य बनाएं। इसी की कड़ी में आगे पढ़ते हुए, पीटी उषा इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स। पीटी उषा भारत की सबसे अच्छी प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में से एक है। शी हैज वन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इनाम जीते। शी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारतीय ट्रैक और मैदान की रानी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा रिसीव पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड। पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। She was named the Sports Person of the Century by the Indian Olympic Association. उन्हें भारतीय ओलंपिक, भारतीय खेल संघ से के द्वारा शताब्दी की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी का नाम दिया गया। Sports Person of the Century, शताब्दी की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी का नाम दिया गया। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज गोल्डन गर्ल ऑफ द इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल को भी भारतीय बैडमिंटन में गोल्डन गर्ल से, सोने की लड़की, सुनहरी गर्ल, सुनहरी बालिका के रूप में जाना जाता है। वे सुनहरी बालिका के रूप में प्रसिद्ध है, गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। She is the first woman in the history of India's Indian sports to reach the world's number one rank in badminton. वह भारतीय इतिहास के बैडमिंटन के क्षेत्र में नंबर एक की पोजीशन पर पहुंचने वाली पहली महिला है। नंबर वन इन द रैंक। She is the first woman in the history of Indian sports. भारतीय इतिहास की बैडमिंटन के क्षेत्र में नंबर एक भी पोजीशन पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है। सी हैज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। उन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे इनाम हासिल किए, प्राप्त किए। साइना मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स।
सानिया मिर्जा। भारतीय खेलों में सानिया मिर्जा जाने पहचाने चेहरों में से एक चेहरा है। शी इज द ओनली वुमन फेस इन इंडियन लॉन टेनिस। भारतीय लॉन टेनिस की पहली महिला खिलाड़ी है हु वाज फॉर्मली रैंक नंबर वन इन द वुमेन्स डबल्स रैंकिंग, जिन्होंने महिलाओं के युगल रैंकिंग डबल्स रैंकिंग माने युगल दो की खेल, तो महिलाओं के युगल रैंकिंग में सबसे पहला स्थान प्राप्त उन्हें मिला। सी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार WTA साल का नवांतुक खिलाड़ी नवागंतुक खिलाड़ी पद्मश्री राजीव गांधी खेल और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त किए। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन के इतिहास में बैडमिंटन के क्षेत्र में एक उभरती हुई महिला खिलाड़ी है, उभरता हुआ एक सितारा है। हु इज जो कि करंटली द वर्ल्ड नंबर 6 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जो BWF वर्ल्ड रैंकिंग में वर्तमान में नंबर 2 पर है। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन ए मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर वो कभी होने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी, महिला एकल खिलाड़ी है। शी बिकेम द फर्स्ट एवर माने इससे पहले कोई नहीं था, तो पहली बार इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन ए मेडल बैडमिंटन BWF वर्ल्ड रैंकिंग में वर्तमान में नंबर 2 पर है। साथ ही साथ वह कभी भी इससे पहले न होने वाली महिला भारतीय पहला महिला एकल खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन वर्ल्ड में बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रतियोगिता में एक पदक जीता हो। सी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, उन्होंने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल किए हैं। MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम को भारत की मिलियन रूपी बेबी के नाम से जाना जाता है। और दिस स्ट्रांग लेडी इज ए 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। This strong lady is a 5 times boxing world champion. यह मजबूत महिला खिलाड़ी 5 बार की बॉक्सिंग विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में 5 बार लगातार 5 बार की विश्व विजेता है। एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। और इतना ही नहीं, धन और उन्होंने ओलंपिक में एक कांस्य पदक भी वो जीत चुकी है। किटी धनराशि के रूप में उन्हें ओलंपिक का कांस्य पदक भी प्राप्त हो चुका है। See, the first lady boxer to have won the bronze medal for the India at the London Olympics. London Olympic में कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय मुक्केबाज हैं। See, the first lady boxer to have won the bronze medal for India at the London Olympics.
लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज है। सी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्होंने हासिल किए, उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। मिताली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चेहरा है और एंड इज रैंक नंबर वन बाय द आईसीसी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। और आईसीसी वर्ल्ड वीमेन माने महिला क्रिकेट रेटिंग के द्वारा उन्हें पहली रैंक दी गई है। सी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन द टेस्ट एंड ओडीआई। उन्हें भारत की टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम की वे कप्तान है। सी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। और सी द हाईएस्ट रन स्कोरर, वे महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। सी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन एक्सेलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गीता फोगाट इज एन इंडियन नेशनल एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान है और द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स और देश की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए अगले दौर में प्रवेश किया, जिन्होंने ओलंपिक में प्रवेश पा सकी अर्थात ओलंपिक के अगले दौर में पहुंची। सी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर who has won India's first ever gold medal in wrestling at the Commonwealth Games. She is a freestyle wrestler. वह एक फ्रीस्टाइल पहलवान है जिसने कॉमनवेल्थ के खेलों में कुश्ती में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीता है। She has been conferred with अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012 के राष्ट्रीय खेलों में उसे उनके शानदार खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पिटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विकलांग छिनांग अर्थात जिनके अंग काट दिए गए हो, एम्पिटी मतलब होता है जिनका अंग छिन गया हो, छिनांग अर्थात जिनका अंग काट दिया गया हो, अंग कटे अर्थात अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला छिनांग अर्थात जिसका कोई अंग काट दिया गया हो बिना किसी अंग के, कोई अंग जिसका काट दिया होगा ऐसे अंग के बिना भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वो अपूर्व इतने नहीं, सी वाज ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। वह पूर्व में राष्ट्रीय फुटबॉल एवं वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है। She lost her leg after she was
thrown out from a running train while resisting an attack from thieves in 2011 में जब चोरों को हमला करने से रोकते समय वो रोक रही थी, तो ऐसे समय में चोरों को हमला करने से रोक रही थी तो उन्होंने चोरों ने ही डाकुओं ने ही उन्हें चलती रेलगाड़ी से फेंक दिया, जिसके कारण सी हैज लॉस्ट हर लेग, जिसके कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पद उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। सी हैज रिसीव पद्मश्री, उन्होंने पद्मश्री तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज एट पार विद द अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के तुल अर्जुन अवार्ड के बराबर उन्होंने तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार हासिल किया और साथ ही साथ पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त किया। देर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन, ऐसी बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज एंड द नेशन, जो अपने परिवार और देश का नाम रोशन करती हैं। हाउ एवर आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल्स इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स। समाज को अभी भी आज के समाज को सोसाइटी को समाज को अभी भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वे लड़कियों के लिए खेल का प्रोत्साहन न सिर्फ उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बल्कि उनकी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिए भी आवश्यक है, इस बात को समझे। However, our society still needs to understand. हमें आज भी हमारे समाज को आज भी ये समझने की आवश्यकता है कि encouraging sports among girls is an important for their personality development. कि लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व विकास के लिए जितना आवश्यक है, साथ ही साथ उनके शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के लिए भी आवश्यक है। वर्चूज लाइक टीम स्प्रिट, ऐसे गुण ऐसी योग्यताएं जैसे कि खेल भावना, लीडरशिप नेतृत्व की भावना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फैसला या निर्णय लेने की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न टू ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। खेल के मैदान में ये सारी चीजें लचीलापन, स्वभाव में लचीलापन, नरमी, फैसला लेने की क्षमता, खेल भावना, नेतृत्व की भावना, ये सारे गुण खेल के मैदान के अंदर ही बेहतर ढंग से सीखे जा सकते हैं। ये आज भी समाज को समझने की आवश्यकता है और लड़कियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।